जलियांवाला बाग की तरह बंद किए गए एक प्रीमिसिस में, एक अहाते में आपने उनको घेर के रखा था। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट किया गया था जिसमें एक पुलिस के पीछे जो है जूते का निशान दिखाया था। वो 2022 का ट्वीट था और जब हम लोगों ने इसके तरफ उसका ध्यान आकर्षित किया और FIR की मांग की झूठी भ्रामक खबर फैलाने के लिए, तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिशियल पेज ने उसको डिलीट किया। तो भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और झूठ के बुनियाद पर शासन स्थापित करके 5 साल चलाना और लगातार झूठ बोलना, ये झूठ के सरदार है, झूठ की सरकार है और झूठ ही बेचते हैं, झूठ ही खाते हैं, झूठ ही पीते हैं, झूठ ही सोते हैं और झूठ ही बेच करके शासन और प्रशासन चलाते हैं। तो ऐसे झूठे लोगों को जनता इस बार जब बैलेट सजेगी 2024 के चुनाव में तो इसका बराबर उत्तर देगी। आज के युवाओं का जो खून इस धरती आबा बिरसा मुंडा जी के धरती पे जो लहू जो गिरा है वो इस सरकार का ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। घायल दर्जन भर कार्यकर्ता है, छोटे मोटे इधर उधर भी कई एक लोग घायल हैं, सबकी सूचना नहीं आ रही है। जितनी सूचना आई है बहुत लोग खुद भी इलाज कराने के लिए चले गए, लेकिन कई एक कार्यकर्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने की सूचनाएं मिल रही है। और इसमें छिपाने का क्या है, आप सब लोग वहां थे, आप सब लोग ने हालात का सीधे रिकॉर्डिंग किया है, आप लोगों ने लाइव किया है, हालात आपके समक्ष है, जनता के समक्ष है। राज्य की सरकार अपना इस निरंकुशता को छिपाने के लिए, तानाशाही को छिपाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा पुनः एक बार देने का या स्थापित करने का काम कर रही है। लोड लेने से पहले जब गन में खटाखट बहाली वाला जब बोल रहे थे नियुक्ति वर्ष रहेगा, गन लॉड है यार, खटाखट खटाखट चलेगा, तो जवान का कोई वैल्यू नहीं है क्या? बोल दीजिए जवान का कोई वैल्यू नहीं है, हम जो बोलते हैं उसका दूध भात। मुख्यमंत्री जी आज ये बात ओपन रूप से कहते हैं, वो माफी तो नहीं मांगेंगे लेकिन वो कहते हैं कि मेरा बात को आप दूध भात मानिएगा, मेरा बात जो हम कहेंगे वो करेंगे नहीं। यही मुख्यमंत्री जी ने 2019 चुनाव के पहले कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, नहीं दे पाए तो 5,000-7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे और वो भी नहीं कर पाए तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। अरे भाई, झांसा में आपने फंसाया लोगों को, बेवकूफ आपने बनाया। उस वायदे को सिर्फ याद दिलाने के लिए जब कार्यकर्ता और जनता आती है, युवा आते हैं, तब आप मार आए बाएं बयान देने लगते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं महाराज आप, इस मुख्यमंत्री पद के दायित्व को भी समझिए और कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचिए। अगर बोल करके सोचिएगा तो इसी तरह फजीयत होते रहेगा और नहीं तो स्वघोषित कर दीजिए, नहीं तो हम सब लोग घोषणा कर देते हैं कि मुख्यमंत्री जी की किसी भी बात को दूध भात समझा जाए। तो जेएमएम को करे लोकप्रियता से आप घबरा गए हैं, मुख्यमंत्री सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। अब 2 महीने का बात है ना, बहुत दहद होगा तो कितने लोकप्रिय हैं और झारखंड की जनता और झारखंड के युवा उनको बता देंगे। जब इस बार सत्ता से बाहर निकालेंगे तो दशकों तक सत्ता के आसपास कभी